तो हेलो दोस्तों, आपको उदय चिकन पर स्वागत है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं एक और शतरंज की गेम थी जो तो गाइस जो ये जो मैच खेला हुआ था वो था हमारे बॉबी फिशर वर्सेस डोनाल्ड बर्न के बीच। ठीक है, और इसमें एक खास बात है, गेम का नाम था द गेम ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, इस गेम का नाम ये क्यों रखा गया था, क्योंकि तो जो गेम खेला गया था वो खेला गया था एक लड़के के द्वारा जो थे 13 साल के, और जिनका नाम था बॉबी फिश। ठीक है, तो आओ अपन, अगर आपको इस गेम के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो थोड़ा बहुत ही पता है, तो आप इसके बारे में नीचे पढ़ लें। मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन किया हुआ है, इसकी एवरी सभी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, और इसका गेम प्ले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आ जाओ अपन चलते हैं अपने गेम की तरफ, और अब अपन आने लेंगे अपना गेम का। ठीक है, जिसमें कि एक बच्चे ने हालत ख़राब कर दी थी लोगों की। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने गेम की तरफ। ओके, तो अब अपन आ चुके हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो इसमें आप बता दें, तो जो वाइट वाले थे वो थे हमारे डोनाल्ड सर। ठीक है, और अपने जो ब्लैक वाले हैं वो है हमारे जो लड़के 13 साल के लड़के। तो आओ अपन गेम प्ले शुरू करते। तो गेम प्ले शुरू हुआ था, पहले अपने घोड़े को निकाला इन्होंने। ठीक है, जो कि था G1 से F3 पे। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने अपना घोड़ा निकाला। घोड़ा निकालने के बाद इन्होंने अपनी जो ऊँट के सामने वाली पिद्दल होती है जो कि C2 से C4 चली। ठीक है, अगेन उन्होंने अपनी एक पिद्दल निकाली जो थी G7 से G6। ठीक है, और अब बात कर लें, इन्होंने अपना घोड़ा निकाला जो था B1 से B3 C3, और उसी तरह उन्होंने अपना ऊँट निकाला जो कि था F8 से G7। ठीक है, इसी तरह इन्होंने अपनी एक पिद्दल निकाली जो थी D2 से D4। उन्होंने भी अपना कासल चेंज कर लिया। ठीक है, और उन्होंने अपना किला बना लिया। अब इन्होंने अपने ऊँट को आगे बढ़ाया जो था सी से F4 की तरफ। ठीक है, और अब उन्होंने अपनी पिद्दल बढ़ाई जो कि थी D7 से D5। ठीक है, इस तरह इन्होंने अपने जो रानी थी उसको आगे बढ़ाया जो कि थी डी डी से B3 की तरफ, और उन्होंने इसी के साथ एक अपने पिद्दल से कैप्चर किया, उन्होंने उनकी पिद्दल कैप्चर किया। ठीक है, जो कि C4 पे। ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने अपनी क्वीन से अपने जो उनकी पिद्दल थी जो अभी अभी कैप्चर की थी उसको कैप्चर किया। ठीक है, जो थी C4 पे, और देन अगेन उन्होंने अपनी एक जो पिद्दल थी उसको आगे बढ़ाया जो रखी हुई थी C7 से C6। ठीक है, और वो उन्होंने आगे क्यों बढ़ाई, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ऊँट और ये दोनों अटैक कर रहे थे इस क्वीन पे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मूव इनकी थी जो कि थी E2 से E4। इन्होंने अपने पिद्दल को आगे बढ़ाया, और उसी के साथ उन्होंने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया जो कि था B8 से D7। ठीक है, इसी इन्होंने अपने जो हाथी था उसको A1 से लेके D1 की तरफ मूव किया। ठीक है, अब उन्होंने उन्होंने अपने घोड़े को आगे लाए जो कि अटैक कर रहा था किस पे, वजीर पे। ठीक है, जो था D7 से B6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव थी अपने वजीर की जो इन्होंने चली हुई थी जो थी C4 से C5। ठीक है, देन उन्होंने अपने जो ऊँट था उसको आगे बढ़ाया जो कि था C8 से G4। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्होंने ये अपना जो ऊँट रखा हुआ था यहाँ पे F4 से इसको आगे बढ़ा दिया G5 पे। ठीक है, और घोड़े पे अटैक करते हुए तो इन्होंने अपना जो घोड़ा था उसको मूव किया B6 से A4 पे, और इन्होंने यहाँ पे तीन तीन जगह पे अटैक करना। अच्छा, ठीक है, मेन चीज़ तो इनके वजीर था, और उसके बाद उन्होंने अटैक की अपना वजीर फेंक लिया जो कि था C5 से A3 पे अपना वेक लिया। ठीक है, और उन्होंने इसके साथ एक पे यहाँ पे घोड़ा रखा हुआ था उसको कैप्चर किया जो था C3 पे। इसी के साथ उन्होंने अपने पिद्दल से घोड़े को कैप्चर किया B2 से C3। देन उन्होंने अपना घोड़े से एक और पिद्दल कैप्चर की, तो ये हो गया था, इन्होंने ये कैप्चर किया। ओके, देन उन्होंने अपने घोड़े से एक पिद्दल कैप्चर की जो कि थी E4 पे। उसी के साथ उन्होंने अपना जो ऊँट था ब्लैक टू उसको आगे बढ़ाया जो रखा हुआ था जी
से जी मीन्स E7 पे, ठीक है, जैसे उन्होंने दो पे अटैक करना चाह, उनके हाथी और बजीर पे, तो उन्होंने अपने बजीर को यहाँ से निकाला, ठीक है, जो कि था D8 से उन्होंने निकाल दिया इसको B6 पे, और उसी के साथ उन्होंने अपनी एक ऊँट भी निकाली व्हाइट वाले ने, ठीक है, जो थी F1 से C4 पे, देन इसको पावर देने के लिए इस पर को, ठीक है, उसी के साथ उन्होंने अपना घोड़ा घोड़ा चला, हाँ घोड़े से पैदल के, ठीक है, जो थी E4 से उन्होंने पैदल कैप्चर की जो रखी हुई थी C3 पे, ठीक है। नेक्स्ट मूव हमारे डोनल्ड सर का था, वो था उनके ऊँट को हाथी ना खाती हो वजीर पे अटैक करना, ठीक, वजीर पे अटैक किया, उसी के साथ उन्होंने क्या किया, ऊँट को नहीं खाया और अपने वजीर राजा हाथी से राजा को चेक दिया, ठीक है। राजा चेक देने के बाद उन्होंने अपने राजा को एक कदम पीछे किया और उन्होंने अपना व्हाइट ऊँट को इसके आमने सामने रख दिया, जो कि था G4 से E6 की तरफ मूव किया गया। उसी D6 पे कैप्चर किया उनके वजीर को। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट मूव की, उन्होंने उनका ऊँट खा लिया जो कि रखा हुआ था C4 पे, देन उसके बाद उस पे चेक लगी, तो उन्होंने अपने वजीर राजा को अंदर किया। उन्होंने राजा अंदर करने के बाद उन्होंने क्या किया, तो राजा अंदर करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो घोड़ा था उससे चेक लगाए, ठीक है। चेक लगाने के बाद उन्होंने इनको ये वाली पिदल चाहिए थी, तो उन्होंने उसके लिए देन चेक लगने के बाद उनके यही दो मूव थे, तो वो यही दो मूव कर रहे थे आगे, फिर उन्होंने वो कैप्चर की, देन चेक अगेन चेक एंड कम बैक टू ओन पोजिशन, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहा। आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूव की, तो उन्होंने नेक्स्ट मूव क्या किया, जो उनकी पिद्दल थी उसको बढ़ाई, जिससे क्या हुआ उनके राजा पर वजीर पर अटैक हुआ, तो उन्होंने वजीर को मूव किया इस ऊँट पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने भी अपना जो हाथी था उसको ऊँट को कवर देने के लिए आगे बढ़ाया, ठीक है, और इसी के साथ उनको मौका मिल गया था यहाँ पे जो पिद्दल लगी थी उसको कैप्चर करने, उन्होंने पिद्दल कैप्चर किया और उसी के साथ आगे उन्होंने अपना जो घोड़ा है उसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए जो हाथी रखा हुआ था उस हाथी को कैप्चर किया यहाँ पे, ठीक है। हाथी कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट मूव इन्होंने अपनी एक पिद्दल का घोड़ा, क्योंकि अब ये फंस चुके थे पूरी तरह, अगर ये अपने हाथी वगैरह को यहाँ आगे ले आते इस लाइन में तो इनकी चेकमेट हो सकती है, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, उसको एक जगह बनाया जहाँ से वो निकल सके, उन्होंने इस पिद्दल को खाया, ठीक है, जो कि रखो रखी हुई थी A2 पे, उसको कैप्चर किया, देन इन्होंने अपने राजा को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ से अगर ये चेक देते कहीं ना कहीं से फिर से मीन्स उनको चांस नहीं मिलता और वो मैट हो जाती, उन्होंने राजा को बढ़ा, और उन्होंने इसी के साथ D1 से F2 की तरफ जो पिद्दल रखी हुई थी F2 पे उसको कैप्चर किया, देन उन्होंने अपने हाथी को आगे बढ़ाया, जो कि उनको लग रहा था कि अगर ये नहीं करते तो उनके हाथी को कैप्चर कर लें, बट उन्होंने उन्होंने एंड टू एंड कर ली और उन्होंने हाथी हाथी कैप्चर करने के बाद उन्होंने अपने वजीर से यहाँ चेक दिया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने हाथी कैप्चर किया, हाथी कैप्चर नहीं किया, उसका एक रीजन है, ठीक है। वजीर कैप्चर करने के बाद उन्होंने यहाँ चेक दिया, चेक को उन्होंने अपनी ऊँट की सहायता से बचा लिया, ऊँट की सहायता को बचाने के बाद उन्होंने अपना वो हाथी है उसको कैप्चर किया घोड़े से। उसके बाद वो कुछ इस तरह से चाल बना रहे थे जैसे कि उनका जो वजीर है वो आगे ना निकल पाए, ठीक है, कुछ इस तरह से उनकी थिंकिंग थी, ठीक है, मैं समझ पाया हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने घोड़े को आगे लाया ये पिद्दल को बचाने के लिए, उन्होंने अपने घोड़े को इस ऊँट की सहायता पावर पर यहाँ आगे रख लिया, ठीक है।
ये एक तरह से चैन बन चुकी थी, और ये देख सकते हैं इससे उनका वीर आगे नहीं निकल सकता था, तो उन्होंने बग्घी निकालने के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने के बाद क्या किया कि ये के पीछे से अपन खाना शुरू करेंगे, तो ये पिद्दल खाने की कोशिश की थी, पर उन्होंने 2 कदम पिद्दल आगे बढ़ा दी। उसी के बाद इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ चांस चले, क्योंकि इनके पास अब कोई चांस बचा नहीं हुआ था। उन्होंने 1 कदम अपनी पिद्दल आगे बढ़ाया, उन्होंने 2 कदम अपनी पिद्दल आगे बढ़ा के उसको ब्लॉक कर दिया। देन उसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने घोड़ा आगे बढ़ाया जो कि 3 पिद्दल पे अटैक कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने अपने राजा को आगे बढ़ाते हुए अपने ऊँट को फ्री किया, जिससे अब वो अपने ऊँट को इजिली मूव कर सकते हैं। तो उनको पता चल गया था अगर ये मूव ऊँट को मूव करते हैं और अगर यहाँ रख देंगे पाई का, तो अगर वो घोड़े को मूव करते हैं यहाँ चेक लगेगा, और उनको वजीर को भी नुकसान हो सकता, वजीर का नुकसान होता। ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ का अंदर लिया उसको, और उन्होंने इसी के साथ यहाँ चेक दिया। ठीक है, चेक देने के बाद उन पर कोई चांस नहीं था, उन्होंने एक मूव किया। देन उन्होंने अपने घोड़े से फिर चेक दिया, देन वन मूव। ठीक है, इस तरह से वो धीरे धीरे करके चेक देते गए, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत इजीली उन्होंने मीन देखा कितनी आसानी से वो कंटिन्यू चेक पे चेक, कोई एक भी चांस उनको खाली छोड़ा नहीं। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चेक पे चेक देते गए, यहाँ देख सकते हो लास्ट में जाके। ठीक है, अगर आप भी सोचो हर कोई ये ऐसे अगर ऐसा मौका मिल जाए वो भी कंटिन्यू चेक दे सकता है बिना और कुछ किए। ठीक है, देन लास्ट में ये उनकी चेक मेट हो चुकी थी, जो कि थी 2 ऊँट एक घोड़े और एक हाथी के साथ उन्होंने चेक मेट कर दी थी। ठीक है, तो उसी के साथ द कैप्चर द सेंचुरी ऑफ द गेम इसी के साथ समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको गेम अच्छा लगा तो मजे करो। ठीक है, और आपको है ना इसकी जो मूव वगैरह है ना वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए, सारी मूव आपको कहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको बता दूं मैंने जो इसकी सारी मूव्स है ना गेम की वो सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। डिस्क्रिप्शन में एक एक मूव आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको इस गेम प्ले के बारे में सारी चीज़ें कौन थे क्या थे कहाँ पे पता कब कब हुआ था ये सारी चीज़ें आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो बेल आइकॉन ऑन कर लो जिससे आपको और नई वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और आपको जिस प्लेयर के बारे में जानना है आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको उनकी वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने लश्कर सर की जो ट्रैप वगैरह थे वो डाले हुए हैं, वो आपको ऊपर नीचे दोनों जगह मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।